यू हैव टू डू पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। जब मार्केट में एक दवा आ जाती है फिर उसके बारे में रिपोर्ट्स ली जाते हैं, दे हैव ए डिपार्टमेंट, वो उसको चेक रखता है, इट्स गुड और बैड रिपोर्ट्स वट एवर दे हैव टू कलेक्ट, और उसको भी संभाल दिया। फिर क्या होता है कि हेल्थ जो की जो ड्रैप है या जो भी ड्रग कंट्रोल, उनके यहाँ एक फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट है। फार्माको विजिलेंस एक एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और एक उनके जो अपनी जो मैनुफैक्चर उनके पास भी होता है। दे रिमेन दे डू द सर्वेलेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, गुड रिजल्ट कैसे हैं, इफ देयर इज हैजर्ड्स आ गए, डेथ ऑफ द पेशेंट्स उसमें होने लग गया या किस तरह के थ्रेट आ गए हैं, देन दे हैव टू कॉल बैक, तो समटाइम वो बैन हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। क्या है इट्स इंट्रोडक्शन, इससे इट्स ए पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। ऑल्सो पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ ए फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिकल डिवाइस आफ्टर इट हैज बीन रिलीज ऑन द मार्केट। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ फार्माको विजिलेंस। जितने भी वट एवर जो मॉनिटरिंग की जाती है उसकी, ड्रग की या मेडिकल डिवाइस की, जो कुछ भी पेशेंट्स के इस्तेमाल में आता है, पेशेंट पे अप्लाई किया जाता है, टेस्ट उसकी सर्वेलेंस चेक रखा जाता है कि वट अबाउट द कंडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट है। अगर उसके इट हैज गुड रिजल्ट, यस। अगर कोई नई इंडिकेशन भी आ जाती है, समवन हैज टू इंट्रोड्यूस, सडन रिसर्च करने जा रहे हैं, दे आर दे कम टू नो सम न्यू इंडिकेशन, तो फिर बताया जाता है कि यस इट हैज ए न्यू इंडिकेशन, नई रिसर्च उस पर, और पोस्ट मार्केटिंग रिसर्च भी की जाती है कई दफा किसी नई इंडिकेशन में, तो वो भी उसमें फिर रिकॉर्ड की जाती है। उसको कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिकल डिवाइस आफ्टर इट हैज बीन रिलीज्ड ऑन द मार्केट। सपोज सर्वेलेंस यूज द नंबर ऑफ अप्रोचेस टू मॉनिटर ड्रग एंड डिवाइस सेफ्टी, इनको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग डेटाबेस इसका बनाया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन इवन मॉनिटरिंग की जाती है मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं, उसमें चेक किया जाता है। पेशेंट रजिस्ट्रीज एंड रिकॉर्ड लिंकेज बिटवीन हेल्थ, तो जितनी चीजें हैं ये डेटाबेस से, हेल्थ के उस डेटाबेस से लिंक कर दिए जाते हैं। दिस डेटा रिव्यू टू हाईलाइट पोटेंशियल सेफ्टी कंसर्न इन प्रोसेस नोन एज डेटा मीनिंग। जितनी चीजें हैं स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, प्रिस्क्रिप्शन इवन मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, पेशेंट रजिस्ट्रीज एंड रिकॉर्ड लिंकेज, जितना एक हेल्थ डिपार्टमेंट से लिंक कर दिया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन उस मैन्युफैक्चरर्स को या गवर्नमेंट के कंसर्न इदारे में जमा होते रहते हैं। टू मार्केट ड्रग द मैन्युफैक्चरर मस्ट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी। जो भी उनका यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उनके हैं, हमारे यहाँ चूंकि ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन उनके यहाँ जाती रहती है, प्रॉपर परफार्मा पे जमा होती रहती है। अब क्या आते हैं फेज ऑफ ट्रायल, फेज जीरो माइक्रो डोजिंग, फेज वन फर्स्ट इन मैन सेफ्टी, फेज टू फर्स्ट इन पेशेंट डोज डोजेज फॉर्म, फेज थ्री एफिकेसी एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट किए जाते हैं, फेज फोर और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस एवेल्युएशन ऑफ द रियल क्लिनिकल सेटिंग। पहले तो जब उसमें जो टेस्टिंग की जाती है पेशेंट्स में या उसमें की जाती है, जब ओपन पूरी दुनिया में फैला दी गई, वो जब मार्केट कर दी गई है, तो फिर उसकी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस की जाती है। अब उस दवा का पता चलता है कि किस किन कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल है, किन किन में इसके इफेक्ट आए। अगर उसके हैजर्डस इफेक्ट आते हैं तो फिर उसको बंद कर दिया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ रेगुलर, इसमें प्री क्लिनिकल वो बताया, फेज वन आ गया, फेज टू, फेज थ्री, पोस्ट सेफ्टी सर्वेलेंस, जिसकी चार जो फेज हैं इनमें की जाती है स्टडी। इसमें हर उसमें देखी जाती है किस तरह की दवा इस्तेमाल हो रही है। इन प्री मार्केटिंग टेस्टिंग, अच्छा पहले जब ये प्री मार्केटिंग ऑलरेडी की जा सकती है, इसमें प्री मार्केटिंग टेस्टिंग द नंबर्स एंड टाइप ऑफ पेशेंट यूज डेमोंस्ट्रेट ड्रग्स एफिकेसी एंड सेफ्टी आर लिमिटेड एज कंपेयर्ड विद द नंबर्स एंड टाइप ऑफ पेशेंट हु विल इवेंचुअली बी प्रिस्क्राइब्ड द ड्रग्स आफ्टर इट इज मार्केटेड।
Although post-marketing surveillance cannot provide knowledge of the safety or efficacy of the drug at the time of their introduction into it. So, जब शुरू में जब pre-marketing की गई तो उसमें very limited patients पे ये इसका इस्तेमाल किया गया. जब इसका डेटा आया मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में यूज किया गया तो उसका जब पोस्ट मार्केटिंग है पूरी दुनिया में या पूरे जगह में चली जाती है तो वहाँ पे इसकी एफिकेसी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर ज्यादा अच्छी तरह मेंटेन किए जा सकते हैं. पोस्ट सर्वेलेंस ऑफ ड्रग देयरफॉर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवर एन अनडिजायर्ड इफेक्ट दैट माइट प्रेजेंट एट अ रिस्क. तो फिर क्या होता है अनडिजायर्ड इफेक्ट ज्यादातर जब एक ड्रग का फैलाव बढ़ जाता है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं देन यू कैन नोट मोर साइड इफेक्ट का जो डेटा ज्यादा आ सकता है. इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ. तो यहाँ पे आप जब जाएगी पोस्ट मार्केटिंग में तो नए नए उसके बेनिफिट या उसके जो रिस्क रिपोर्ट होते जाएंगे देन यू हैव टू ऑल हैव टू कंपाइन. पोस्ट मार्केट सर्विस आल्सो अलाउज फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द उससे ज्यादा अरसा आप उसके इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करते रहेंगे उसको देंगे. एडवांटेज क्या है इनकी नो फिक्स ड्यूरेशन इसकी कोई पीरियड नहीं जैसे हम पिछले रिसर्च में करते हैं कि कोई टाइम है कोई साल है छः महीने चंद महीने यू हैव टू डू हेयर नो कितने अरसा चलता है हर तरह की पॉपुलेशन में पेशेंट पॉपुलेशन किसी भी तरह की पॉपुलेशन में वहाँ पे तो यू हैव टू सेलेक्ट ए ग्रुप जिसमें आपने स्टडी करनी थी. यहाँ पे किसी भी पॉपुलेशन में स्टडी की जा सकती है या इसकी सर्वेलेंस की जा सकती है. स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर मार्केटिंग जैसे ही ड्रग लॉन्च की है उसके साथ ही ये इसकी सर्वेलेंस शुरू हो जाती है. रिपोर्ट ऑल एडवर्स ड्रग रिएक्शन जहाँ भी कहीं हो वो इसमें रिपोर्ट किए जाते हैं. हेल्प टू डिटेक्ट रेयर एरिया इसमें कुछ होते हैं कि बड़े माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आते हैं तो वो भी इसमें आप रिकॉर्ड किए जा सकते हैं. सो हाउ टू डू दैट पोस्ट सर्वेलेंस रेफर्स टू एनी मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट आफ्टर इट हैज बीन इम्प्रूव्ड फॉर पब्लिक यूज. तो इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है. इनके यहाँ एफ डी ए का सेक्शन 505 है टू एक्वायर सर्टन पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज एंड क्लिनिकल ट्रायल फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 505B. इनका हमारे यहाँ अलग लॉ है वो भी जब हम आएंगे जहाँ उसका जो प्रोफार्मा है उसका अलग लॉ है जिसके तहत हम इसको मॉनिटर करते हैं. हमारे यहाँ जो सस्पेक्टेड जो प्रोफार्मा है वो दिया जाता है वो हम जब इसके अगले सेक्शन में आएंगे तो आपको बताएंगे कि वो क्या है किस रूल के तहत हमारे यहाँ फार्मा को विजिलेंस की जाती है. हिस्ट्री क्या क्यों ये शुरू हुई कब से शुरू हुई ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. जब आपको पीछे बता चुके थैलेडोमाइड की जो ट्रेजडी आई थी 96 एटलीस्ट टू सीरियस ड्रग रिएक्शंस वर ऑब्जर्व्ड इन मैनी पेशेंट थैलेडोमाइड कॉजेस लिम्स डिफॉर्मिटीज फोकोमेलिया और द पोस्ट मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन सेंट एडवर्ड कैनेडी suggested that a better system was need for monitoring the use and effect of prescription drug after they are marketed. As a result, the Joint Commission on Prescription Drugs Use was established in 76, funded largely by the drug industry, with the mandate to design a post-marketing surveillance system to detect, quantify, and describe the anticipated and unanticipated effects of marketed drugs. The delayed discovery of the adverse effects, spurred effects to improve post-marketing surveillance के लिए किए गए. Limitation of pre-marketing clinical trial में क्या था? They have size of patient population studied किया जाता है इस तरफ. Narrow population often not providing sufficient data नहीं मिलती उस वक्त. Narrow indication studied short duration में किया जाता है pre-marketing clinical trial. Source of पोस्ट इंफॉर्मेशन पीएमएस की क्या है एक्सपर्ट यूजर ग्रुप से मिल जाती है कस्टमर सर्वे से मिल जाती है कस्टमर कंप्लेंट एंड वारंटी क्लेम से मिल जाती है पोस्ट सी मार्केट क्लिनिकल ट्रायल से मिल जाती है लिटरेचर रिव्यू से मिल जाती है डिवाइस ट्रैकिंग इम्प्लांट रजिस्ट्री से मिल जाती है यूजर रिएक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल जाता है और द मीडिया से इसकी जिस इंफॉर्मेशन मिल जाती है. बेनिफिट क्या होंगे इसके
डिटेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हो मिल जाएगा इसमें, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइस क्वालिटी आ जाती है, वेरिफिकेशन ऑफ रिस्क एनालिसिस आ जाता है, इंटेलिजेंस ऑफ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, परफॉर्मेंस ट्रेंड्स आ जाएंगे, परफॉर्मेंस इन डिफरेंट यूजर पॉपुलेशन आपको मिल जाएंगे इफ्टर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस से। इम्पोर्टेंस ऑफ क्या है इसकी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस इज टू डेवलप इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग इफेक्ट अंडर कस्टमरी कंडीशन ऑफ ड्रग यूज, रेयर एडवर्स इवेंट्स में नॉट बी डिटेक्टेड इन प्री लेंसियोर स्टडीज बिकॉज इन वेरी लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स हैव लिमिटेशन ओवर देयर, तो उसमें नहीं हो सकती। टू असेस ए नॉन सीरियस रिस्क रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग, दैट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, टू असेस सिग्नल्स ऑफ सीरियस रिस्क रिलेटेड टू द यूज ऑफ अ ड्रग, टू आइडेंटिफाई एन अनएक्सपेक्टेड सीरियस रिस्क व्हेन अवेलेबल डेटा इंडिकेट्स द पोटेंशियल फॉर ए सीरियस रिस्क, रिस्क ऑफ ड्रग ड्रग फूड इंटरेक्शन हैज टू बी रिपोर्टेड, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में भी इसमें देखा जा सकता है, इंक्रीज इन नॉन मेडिकल डेटा सोर्स से मालूम हो सकता है, मे बी फार्मेसी सुपर मार्केट एम्प्लॉयर वैक्सीनेशन से भी लिया जा सकता है। टाइप ऑफ पोस्ट किस तरह की हो सकती है, आपको जब पीछे बता चुके हैं, स्पॉन्टेनियस वॉलेंट्री रिपोर्टिंग ऑफ केसेस नेशनल FDA, मेडवाच, लोकल और रीजनल ज्वाइंट कमीशन कहीं से भी मिल सकते हैं, रिक्वायरमेंट साइंटिफिक लिटरेचर पब्लिकेशन वहाँ से आ जाती है, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज वॉलंटरी आर रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड हेल्थ केयर डेटाबेस से मिल जाता है, रेंडोमाइज क्लिनिकल ट्रायल से मिल जाता है, एक्टिव सर्वेलेंस से मिलता है, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी नेटवर्क सेंटिनल इनिशिएटिव, इन जगहों से ये चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स में क्या है, अ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल एग्जाम्पल हेल्थ केयर प्रोफेशनल कस्टमर टू ए कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटी से देंगे, रिपोर्ट करेंगे, डिस्क्राइब ए सस्पेक्टेड डिवर्स इवेंट, पेसिव एंड वॉलंटरी रिपोर्ट्स हैज टू बी सबमिटेड, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स आ जाएंगे अचानक, हाउ टू पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट्स गेट टू FDA, जब उनके यहाँ किस तरह आता है, पेशेंट कंज्यूमर हेल्थ केयर सोर्स है, वॉलंटियर है कुछ कुछ में, वॉलंटियर क्या करेंगे, गो टू दी FDA मेडवाच पे चले जाएंगे या मैन्युफैक्चरर पे चले जाएंगे, मेडवाच से होते हुए जो रिपोर्ट्स हैं दे गो फियर्स डेटाबेस में आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगे FDA के थ्रू, इस तरह ये रिपोर्ट्स इकट्ठी गैदर हो जाएंगी, दे हैव टू बी गैदर। FDA एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम वहाँ पे है, कंप्यूटराइज डेटाबेस उनके पास है, उनके हमारे यहाँ भी यहाँ पे ड्रैब में है ये फार्माकोविजिलेंस, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स वहाँ आ जाएंगी, कंटेन्स ह्यूमन ड्रग एंड थेरापूटिक बायोलॉजी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इस वक्त तक 1969 से लेकर 7 मिलियन रिपोर्ट्स हैज सो फार हैव बीन रिसीव्ड इन FDA। फियर्स स्ट्रेंथ FAER क्या होगा, इंक्लूड्स ऑल US मार्केटेड प्रोडक्ट्स, उनके यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान के हिसाब से होगा, include all users they have to report, includes broad patient population, elderly children, pregnant women, comorbidities जिनमें आराम है उनको भी सब इसमें शामिल हो जाएंगे, simple relatively inexpensive reporting system है, especially good for events with a rare background rate, कहीं भी उसमें से हो सकता है। method of surveillance क्या है, 4 types of studies are generally used to identify drugs effects. One is controlled clinical trial से मिलेगा, spontaneous or voluntary recordings हम पीछे बता चुके हैं, cohort studies से मिल जाएगा, case control studies हमने पीछे पढ़ी उससे ये मिल जाएंगे आपको method of surveillance। Now controlled clinical trials में क्या होगा, post marketing surveillance studies conducted after the launch of a product is part of phase 4. Development of drug. Some of these studies may be retrospective case control evaluation से की जाएगी. These are done to evaluate rare suspected side effects जो बहुत कम है वो भी इसमें evaluate हो जाएंगे. For example, when there was a suspicion
suspicion that use of oral contraceptive may be associated with an increased incidence of thrombophlebitis, clotting of blood in the deep vein, and thromboembolism, blockage of smaller arteries due to detected blood clots. Case studies were carried out. जब मालूम किया गया कि suspicion में contraceptive जो oral tablet दी जा सकती है उनसे दो तरह के clotting आ सकती है, thromboembolism और thrombophlebitis. तो block small arteries हो सकता है, clotting of blood, ये इसमें मालूम हुआ कि अक्सर oral contraceptive से there are chances. A group of cases of thromboembolism were compared with age-matched control that were similar to the case as possible but without the disease to minimize bias through such method as randomization and double-blinding se kiye gaye. Directly monitored patients for the duration of studies for evaluating a drug efficacy and safety, they are often very costly, has to be done.